क्या है आज? अच्छा, तो आप लॉकडाउन में आप लोग निकले हुए हैं, तो डर नहीं लग रहा था? पुलिस मना कर रही है? क्यों किया जाता है पूजा? पति क्या लंबी आयु के लिए? बिहार के सभी जिलों में आज महिलाएं अपनी पति के दीर्घायु होने की कामना को लेकर वट वृक्ष की पूजा करती दिखी, जिसमें महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग नियम और कानून की धज्जियां उड़ा दी। नालंदा में पूजा स्थल पर एक भी पंडित जी नजर नहीं आए, जिसके कारण महिलाओं ने ऑनलाइन ही कथा और पूजा कर लिया। ऐसा ही नजारा फतुहा के प्रखंड कार्यालय के समीप भी देखने को मिला। सासाराम में भी महिलाओं ने पूजा अर्चना की, वहीं दुल्हिन बाजार में भी ये पर्व मनाया गया, लेकिन सभी जगह लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। अभी हम खड़ा है पटना के बोरिंग रोड एसके पुरी के पास। बर्ड वृक्ष की पूजा की जा रही है, यानी बड़ के पेड़ के नीचे कई महिलाएं जो हैं सोलह श्रृंगार करके, आज कहा जाता है कि सोलह श्रृंगार करके निर्जला उपवास करती हैं महिलाएं, जो आज पूजा करती हैं। और देखिए कि सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो पा रहा है, कई महिलाएं बिना मास्क और की पूजा कर रही है, यानी आस्था के आगे सारा चीज़ फीका पड़ गया है। तो पंडित जी भी हैं बिना मास्क के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण करा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पे बैठी हैं और कथा सुन रही हैं, और पंडित जी देखिए कैसे कथा कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का थोड़ा पालन यहाँ पे हो रहा है। कुछ महिलाएं दूर दूर बैठ के हाथों में फूल लेके और कथा को सुन रही हैं, और पंडित जी जो है कथा कह रहे हैं, उनसे कथा का थोड़ा उच्चारण सुनते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रिय सवित्री स्थापना होती है ब्रह्मा के साथ, उस सवित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इस पुराणों में यह मंत्र का पूजे का महत्व है। अपने पति के लिए बट सवित्री पूजा करते हैं। कहा जाता है कि सोलह श्रृंगार करके महिलाएं जो है इसको निर्जला उपवास करते हैं। बिहार इसमें फल खा के रहते हैं, नमक नहीं खाया जाता है, और सुहागन के लिए सोलह श्रृंगार करना जरूरी है। ये पति के लिए किया जाता है ये व्रत। क्या ये निर्जला उपवास? हाँ, ये निर्जला उपवास किया जाता है, इसमें नमक नहीं खाया जाता है। कितने घंटे का ये उपवास? 24 घंटे का उपवास होता है। ये बर का पेड़ होता है, ये बर के पत्ते को ये बाल में खोसा जाता है। यही महत्व होता है कि पति के लिए करते हैं। तो देखिए, क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी। तो देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ श्रवण राज। आज वट सावित्री पूजा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वट सावित्री पूजा चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। आप आज सावित्री व्रत है और पति के लिए लंबी वायु के लिए पूजा अर्चना करती है। आप हमारे